हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा, कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। इकोनॉमिक्स का जो वन शॉट रिवीजन चल रहा है उसके यूनिट 8 का, जिसका नाम है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी चार या पांच चैप्टर हो सकते हैं आपके, और जिसका पहला ऑब्जेक्टिव है, देखिए पहला ही ऑब्जेक्टिव है, विच फिस्कल मेजर इज टू बी अडॉप्टेड बाई करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप। कह रहा है कि कौन सा फिजिकल मेजर्स को अडॉप्ट किया जाता है करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप को मेजर करने के लिए। तो कह रहा है रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन टैक्सेस, इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो कह रहा है कि एक इन्फ्लेशनरी गैप को मेजर करने के लिए कौन सा फिजिकल मेजर अडॉप्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज इन टैक्सेस, ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे फिजिकल मेजर अडॉप्ट किया जाता है इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच मॉनेटरी मेजर इज टू बी अडॉप्टेड इन करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए कौन से मेजर को अडॉप्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज इन बैंक रेट, ऑप्शन नंबर बी है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो यहां भी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किन्सियन मल्टीप्लायर एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन। किन्सियन ने किन्स माने जॉन मेनार्ड किन्स कह रहा है, ये जेएम किन्स, मल्टीप्लायर एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, इनकम एंड कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड नन ऑफ द अबव। द किन्सियन मल्टीप्लायर कहता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इनकम एंड इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। के इक्वल टू वन अपॉन एमपीसी, ऑप्शन बी कह रहा है के इक्वल टू वन अपॉन एमपीएस, ऑप्शन सी कह रहा है के इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एमपीएस एंड ऑप्शन डी कह रहा है के इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एमपीएस। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर सही है यहाँ आपका बी, के इक्वल टू वन अपॉन एमपीएस। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मल्टीप्लायर को एक्सप्रेस किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है के इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आई, ऑप्शन बी कह रहा है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई एंड ऑप्शन सी कह रहा है के इज इक्वल टू वन माइनस एस एंड ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो कह रहा है कि मल्टीप्लायर को एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब कि कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में भी बहुत गुना चेंज हो जाता है। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किन्स डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फ्रॉम खान्स। तो किन्स कह रहा है कि डिराइव्ड हुआ है किन्स डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फ्रॉम खान्स। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इनकम मल्टीप्लायर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कंजम्पशन मल्टीप्लायर एंड ऑप्शन सी कह रहा है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर एंड डी कह रहा है नन ऑफ दिस। तो यहां 6 नंबर का होगा सी, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर से आया है किन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ड्राइव हुआ है कहन के एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर से। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ किन्सियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन, द वैल्यू ऑफ किन्सियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन नंबर ए किस पे डिपेंड है किन्सियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इनकम लेवल पे। ऑप्शन बी कह रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इन्वेस्टमेंट लेवल। तो यहां आंसर होगा सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगला क्वेश्चन देखें विच फैक्टर अफेक्ट किन्सियन मल्टीप्लायर, इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है किन्सियन मल्टीप्लायर को। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ऑप्शन बी कह रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो कह रहा है कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है किन्सियन मल्टीप्लायर को। तो यहां आंसर होगा आपका सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू बोथ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सी आंसर दोनों हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। एमपीसी एंड मल्टीप्लायर हैव डायरेक्ट रिलेशन, एमपीएस एंड मल्टीप्लायर हैव इनवर्स रिलेशनशिप, बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहां आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ऊपर वाला दोनों सही है। एमपीसी माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, और एमपीएस और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन है। ये हम लोग चैप्टर पढ़े थे तो देखे थे, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज, द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज
इज वैल्यू ऑफ एमपीसी कितना होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 0 होगा, एंड ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यानी कि द वैल्यू ऑफ एमपीसी कितना होगा, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा और लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, यानी कि आंसर नंबर 10 का सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज ट्रू, अगला क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है। तो यहां सही कौन है बताना है, तो आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 0 तो नहीं होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस ग्रेटर देन 1 होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बुक्स में हम लोग पढ़ते थे एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है, दैट इज द करेक्ट आंसर सी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज, मेन एग्रीगेट डिमांड माने एडी, एग्रीगेट डिमांड का मेन कंपोनेंट क्या होता है, इंडिविजुअल कंजम्पशन, पब्लिक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में सबकी डिमांड को माने, इंडिविजुअल की भी, पब्लिक की भी, इन्वेस्टमेंट की भी, तो सबकी होती है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ट्रेड साइकिल, इनमें से कौन ट्रेड साइकिल का कारण है, डिफ्लेशनरी कंडीशन, इन्फ्लेशनरी कंडीशन, बोथ एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहां हो जाएगा सी, बोथ एंड बी। तो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशन दोनों ट्रेड साइकिल का, दोनों ट्रेड साइकिल का कारण है, कॉज है। तो यहां बोथ आंसर हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी दोनों सही है, तो यहां सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तो विच वन इज द करेक्टिव मेजर, करेक्टिव मेजर फॉर डेफिशिएंट डिमांड, कह रहा है कि इनमें से कौन करेक्टिव मेजर है डेफिशिएंट डिमांड का, फिजिकल मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स, बोथ एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहां हो जाएगा सी, बोथ एंड बी, क्योंकि ये डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए फिजिकल जो सरकार बनाती है और मॉनेटरी जो आरबीआई बनाती है, दोनों की जरूरत पड़ती है डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए। तो आंसर सी हो जाएगा, बोथ एंड बी। अगला क्वेश्चन Which of the following is included in fiscal policy? इनमें से कौन fiscal policy में include होता है? तो पहला option है a public expenditure, option B है tax and option C है public debt and option D है all of these। तो यहाँ answer हो जाएगा all of these। तो कह रहा है कि fiscal policy में include होता है, public expenditure भी include होता है, tax भी include होता है, public debt भी include होता है, तो all of these answer हो जाएगा। अगला number question कह रहा है कि which fiscal measures should be adopted for correcting deficient डिमांड, कह रहा है कि इनमें से कौन सा फिजिकल मेजर अडॉप्ट किया जाता है करेक्टिंग डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर इन पब्लिक वर्क्स, टैक्सेशन शुड बी रिड्यूस्ड, पब्लिक डेब्ट शुड बी रिड्यूस्ड, यानी कि अगला आंसर कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे 16 नंबर का हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए ये सारे ही मेजर्स को अडॉप्ट करने पड़ते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है With which component of monetary policy, monetary policy का कौन सा component central bank tries to attain economic stability in the country? Option number A है supply of money, option number B है interest rate and option number C है availability of money and option number D है all of these। तो यहाँ answer हो जाएगा all of these, सारे ही attain करना चाहती है। अगला question Which method, कौन सा method central bank adopts करता है for collecting quantitative of credit, quantitative of credit को control करने के लिए, quantitative of credit को control करने के लिए कौन सा method central bank adopt करती है? तो bank rate, open market operation, change in cash reserve ratio, all the above। तो सारे ही method को adopt करती है central bank, क्या quantitative क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि 18 नंबर का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है Which is a qualitative method of controlling credit? Qualitative method of controlling credit क्या होता है? Change in margin requirements, credit rationing, direct action, all of this। तो यहाँ all of this। Quantitative देखिए वो ऊपर वाला था qualitative, यहाँ क्या था qualitative, ऊपर वाला quantitative था, ये qualitative। तो qualitative में ये तीन ही आता है और तीनों दिया हुआ है, यानी कि all of this answer होगा। Change in margin requirement, margin को तय किया जाता है, credit rationing और direct action, यानी कि D होगा आंसर all of this। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which monetary measure may be adopted to correct deficient demand, इनमें से कौन सा monetary measure adopt किया जाता है deficient demand को correct करने के लिए? तो option number A है reduction in bank rate, option number B है buying securities in open market, option number C है reducing
कैश रिजर्व रेशियो एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन एन ओपन इकोनॉमी व्हिच आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड। ओपन इकोनॉमी में इनमें से कौन कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये चारों एग्रीगेट डिमांड में, यानी कि आंसर डी, 21 का आंसर डी इज द राइट, 21 का आंसर डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर मार्जिनल एमपीसी कह रहा है इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में भी चेंज होता है, इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में भी चेंज होता है, तो एमपीसी बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। चले अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक। कौन इसका कौन राइटर है ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक का बुक, ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक का राइटर कौन है? तो पीगू है, पीगू ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक। ये कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया है प्रीवियस ईयर में कि ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक के राइटर कौन है, तो पीगू साहब है। अगला, If MPC is equal to 0.5, then multiply K will be, कितना होगा multiply? तो formula इस पे लगाकर इसका answer लाया जा सकता है। K बराबर क्या होता है? K बराबर 1 upon MPC होता है, तो ये निकाल सकते हैं, 1 upon 1 minus MPC होता है, तो ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? K will be, तो 24 का आंसर आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर, ऑन विच कंसेप्ट डज क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड्स। कौन से कंसेप्ट पे क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड करता है? सीज लॉ ऑन मार्केट, परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी वेज रेट, परफेक्टली फ्लेक्सिबिलिटी इंटरेस्ट रेट एंड ऑल ऑफ दिस। तो क्लासिकल व्यू पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, किस कंसेप्ट पे डिपेंड करता है? तो सीज लॉ ऑफ मार्केट पे तो डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी कह रहा है परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी वेज रेट, ये भी सही लग रहा है। तो यहाँ परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी इंटरेस्ट रेट, ये भी सही लग रहा है, यानी कि ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेज कट मेंटेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हु पुट फॉरवर्ड दिस व्यू। कह रहा है वेज कट मेंटेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हु पुट फॉरवर्ड दिस व्यू। इस व्यू को किसने फॉरवर्ड आगे बढ़ाया? पीगू ने, किन्स ने, मार्शल ने एंड डी नन ऑफ दिस ने। तो किसने आगे बढ़ाया? तो पीगू ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन कीन्सियन व्यू पॉइंट। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए एग्रीगेट डिमांड, ऑप्शन नंबर बी एग्रीगेट सप्लाई बोथ एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन डिटरमाइन करता है फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन कीन्सियन व्यू पॉइंट ऑफ, इन कीन्सियन के व्यू पॉइंट से फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम कौन डिटरमाइन करता है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई बोथ एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहां आंसर हो जाएगा सी, बोथ एग्रीगेट डिमांड भी और एग्रीगेट सप्लाई भी, सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर, इन कीन्सियन व्यू पॉइंट, कीन्सियन व्यू पॉइंट में द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इज एस्टैब्लिश्ड वेयर एडी ग्रेटर देन एस, एडी ग्रेटर देन एस, एडी बराबर एस एंड नन ऑफ दिस। तो एडी बराबर एस हो जाएगा आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। 28 का सी ही ध्यान रखेंगे, एडी बराबर एस होता है, तो कीन्सियन व्यू पॉइंट में क्या होता है, उसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट माना जाता है इकोनॉमी के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर, एट अ पॉइंट वेयर सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो यहां हो जाएगा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 29 का सी ध्यान रखेंगे सही है। अगला क्वेश्चन देख रखा रहा है 30 नंबर, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कॉजेस इंक्रीजेस इन, कह रहा है कि इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होती है ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कॉजेस इंक्रीज इन, क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी इनकम एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस,
क्योंकि कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगा। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ एमपीसी 0.5 देन मल्टीप्लायर के विल बी क्या हो जाएगा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ आंसर हो जाएगा 2। ऑलरेडी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, इस बार रिपीट कर दिया है यहाँ मेरे भी इस क्वेश्चन शेड्यूल में। अगला कह रहा है इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.5 देन इनिशियली इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपीज, द इनकम जनरेशन इन द इनकम विल बी कितना होगा। द एमपीसी अगर 0.5 होगा, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 करोड़ 100 करोड़, तो द इनकम जनरेशन इन द इकोनॉमी विल बी, द इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में कितना इनकम जनरेट होगा। तो ऑप्शन ए 5 करोड़, ऑप्शन बी 100 करोड़, ऑप्शन सी 200 करोड़, ऑप्शन सी 500 करोड़। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी 200 करोड़। फॉर्मूला पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर वॉज प्रोपाउंडेड बाई, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का थ्योरी किसने दिया था, किसने दिया था, काहन ने दिया था, हैंसन ने दिया था, मार्शल ने दिया था। तो ये इन्वेस्टमेंट थ्योरी का मल्टीप्लायर का ऑप्शन दिया था काहन ने, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर वॉज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर वॉज प्रोपाउंडेड बाई काहन। अगला क्वेश्चन इफ इनकम इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एट द लेवल बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट इट इज नोन एज द स्टेट ऑफ, ये कहा कह रहा था कि कह रहा है कि इफ इनकम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इकोनॉमी, अगर इनकम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी इज डिटरमाइंड एट द लेवल बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले ही क्या कर दिया जाए, इनकम को इक्विलिब्रियम मान लिया जाए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहेगा वो, तो वो स्टेट क्या बताएगा, डेफिसिट डिमांड को बताएगा, सरप्लस डिमांड को बताएगा, पार्शियल डिमांड को बताएगा, नन ऑफ दिस को बताएगा, किस डिमांड को बताएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डेफिसिट डिमांड को, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फुल नहीं था तो सप्लाई कम होगा, लोग कम रखेंगे जाएंगे। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टेट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन कीन्सियन इकोनॉमी। ऑप्शन मेरे एक कह रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एंड सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, एंड डी कह रहा है नन ऑफ दिस। कह रहा है कि इनमें से कौन को जाना जाता है स्टेट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन कीन्सियन इकोनॉमी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड का कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता क्या है। एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड रिमेंस शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई रिक्वायर्ड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एंड बोथ ए एंड बी एंड डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ आंसर दिया है सी, क्योंकि ऊपर वाला दोनों ही सही है। अगला डिफ्लेशनरी गैप शोज, डिफ्लेशनरी गैप दिखाता है द मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, ए फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नन ऑफ द अबव द डेफिशिएंट डिमांड। 37 का ए इज द राइट आंसर, 37 का ए इज द राइट आंसर। अगला देखें क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है विच वन इज द रीजन ऑफ, विच वन इज द रीजन ऑफ अपियरिंग डेफिशिएंट डिमांड कंडीशन, डेफिशिएंट डिमांड कंडीशन को अपियर करने के लिए कौन सा रीजन है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फॉल इन द मनी सप्लाई इन द कंट्री, फॉल ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फॉल इन इन्वेस्टमेंट डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन बैंक रेट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो कह रहा है कि विच वन इज द रीजन ऑफ अपियरिंग डेफिशिएंट डिमांड को दिखाने के लिए कौन सा रीजन है, कौन सा कंडीशन है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य है, एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्लाइंस ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, ऑप्शन बी कह रहा है प्राइस लेवल फॉल्स ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड इन द कंट्री, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रोडक्शन लेवल फॉल्स डेफिशिएंट डिमांड, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऑल द अबव। तो यहां आंसर हो जाएगा 30 नंबर का, कौन सा सत्य पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्लाइंस होता है ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, पहला ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्राइस लेवल फॉल्स ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड इन द कंट्री, ऑप्शन नंबर बी भी सही है प्रोडक्शन लेवल फॉल्स डेफिशिएंट डिमांड, ऑप्शन नंबर सी भी सही है एंड डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एट अबव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एट द अबव
फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इन्फ्लेशनरी गैप, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है डिफ्लेशनरी गैप, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बोथ एंड एंड बी, एंड डी कह रहा है नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। और 41 का कह रहा है, 41 कह रहा है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु गेव दिस लॉ, ये सप्लाई अपना डिमांड खुद से ढूंढ लेता है, ये लॉ किसने दिया था, तो जेबी से, इसे सेज लॉ भी कहते हैं, इसलिए पूरा नाम जेबी से है। आगे हु इज द राइटर ऑफ द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी नामक किताब किसने लिखा था, तो जॉन मेनार्ड किन्स ने, जे एम किन्स उनका शॉर्ट नेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन सही है फॉर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी, ऑप्शन बी कह रहा है नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर और अंडर प्रोडक्शन इन द इकॉनमी, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दिस, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सही है फॉर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी कह रहा है स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी, हमेशा क्या रहता है फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है इकॉनमी में, मतलब क्लासिकल मैंने पुराने जमाने के लिए कह रहा है कि पुराने जमाने में एम्प्लॉयमेंट की क्लासिकल थ्योरी क्या थी, कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है और नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है ओवर प्रोडक्शन की और अंडर प्रोडक्शन की, तो बोथ ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन विच फैक्टर किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स, कह रहा है किस फैक्टर पर किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड है, इफेक्टिव डिमांड, ऑप्शन बी सप्लाई, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, तो यहां हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए इफेक्टिव डिमांड, किन्सियन की थ्योरी इफेक्टिव डिमांड पे डिपेंड्स करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी है इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव, यहां आंसर नंबर सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू किन्स इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज, किन्स के अनुसार इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज होता है ऑप्शन नंबर ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर, ऑप्शन नंबर बी रियल इन्वेस्टमेंट पर, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी, एंड डी नन ऑफ दिस, तो किन्स के अनुसार इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज होता है यानी कि 46 का बी इज द रियल इन्वेस्टमेंट, 46 का बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट MEC कह रहा है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अगर होगा, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा तो MEC क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइज होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स होगा, ऑप्शन नंबर सी रिमेंस कॉन्स्टेंट होगा, एंड डी नन ऑफ दिस होगा, तो यहां आंसर कह रहा है फॉल्स होगा, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो MEC फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल इन्वेस्टमेंट, इनमें से कौन रियल इन्वेस्टमेंट है, ऑप्शन नंबर ए है परचेजिंग ऑफ अ शेयर, ऑप्शन नंबर बी है परचेजिंग ऑफ अ ओल्ड फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर सी है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी है ओपनिंग डिपॉजिटेड अकाउंट इन द बैंक, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं रियल इन्वेस्टमेंट, तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रियल इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 होता है, तो एपीसी प्लस एपीएस बराबर भी क्या होता है 1 होता है, ये चैप्टर्स में हम लोग पढ़े हुए हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर भी 1 होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर कि व्हाट आर द रीजन ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड होने के रीजन क्या है, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन टैक्सेस, ऑल द अबव, तो यहाँ आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ही, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, टैक्सेस में कमी हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, ऑल द अबव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप के सिचुएशन में, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डिमांड इंक्रीजेज रैपिडली, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सप्लाई इंक्रीजेज रैपिडली, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एंड ऑल ऑफ द ऑल ऑफ दिस, तो यहां आंसर हो जाएगा 52 का डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, बी कह रहा है y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू n, ये तो कहीं से सही नहीं है, सी कह रहा है c प्लस s इज इक्वल टू c प्लस i एंड ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस यहां आंसर नहीं होना चाहिए, मुझे तो ये सही लग रहा है C इजिकल टू S, ये भी सही है, A यानी कि एक से ज़्यादा सही है, इसलिए ऑल ऑफ दिस आंसर सही है। अगला तो डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसका सभी सही है।
कि ये लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने डी होगा आंसर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि दो तो सही है ही। अगला कह रहा है 54 नंबर, किन्स थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, किन्स का थ्योरी संबंधित है किससे, तो ऑप्शन नंबर ए इफेक्टिव डिमांड से, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से, एंड ऑप्शन नंबर सी प्रोपेंसिटी टू सेव, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो किन्स का थ्योरी संबंधित है ऑल ऑफ दिस सबसे है, इफेक्टिव डिमांड से भी है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से भी है, एंड ऑप्शन नंबर सी प्रोपेंसिटी टू सेव से भी है। तो 54 नंबर का डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कह रहा है देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, पढ़ लेते हैं। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इकोनॉमी राइजेस फ्रॉम रुपीज 5000 करोड़ टू 6000 करोड़। कह रहा है एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है जिसमें इनकम राइज होता है 5000 करोड़ से 6000 करोड़। आगे कह रहा है कि एज अ रिजल्ट इसका परिणाम यह है कि द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम 4000 करोड़ टू 4600 करोड़, 4600 करोड़। कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, अगर इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन रुपीस कितना होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन सच अ केस वुड बी, तो ये इस केस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा, तो यहाँ ऑप्शन कह रहा है डी 0.6 इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू होता है क्या, तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रोस्पेक्टिव एल्ड अपॉन कॉस्ट। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल बराबर होता है प्रोस्पेक्टिव एल्ड अपॉन कॉस्ट। तो ये रहा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का आपका, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का आपका ऑब्जेक्टिव वन शॉट रिविजन इकोनॉमिक्स का। तो बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और मैं रवि मिश्रा आपके सेवा में हाजिर रहूँगा आगे आने वाले वीडियो में। बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।